रिलीज हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ओपिनियन है आपका? सर मेरे मिगी बड़े सारे दर्शक सुना दी उन्हें इस टाइम उपर ते जैडुगर जैमा डोगरी। मेरा नाम रिचा आनंद है ते मैं इंटीग्रेटेड बीएड एमएड दी स्टूडेंट हाँ। ते आज जेड़ी ए डिडो डोगरा किताब है ये आज रिलीज़ हुई है श्री मोहन सिंह जी हुंदी है ते इन्हें बड़ी के शैल जेड़ा एक उपन्यास है डोगरी विच लिखे दा है ते उन्हें ये मैसेज जेड़ा मियाँ डिडो हुंदा ते पजाने की कोशिश की है यूथ तोड़ी कि वह साढ़े एक वॉरियर हीरो होए उनके बारे में इन्हें एक बड़ा गै शैल एक उपन्यास विच एक शैल रोशनी पाई दी है। और इन्हें असी ये भी एक आखिया कि इस उपन्यास की थोड़ा डिजिटल तरीके करना भी मतलब प्रेजेंट किया जा कॉलेज स्कूले बच्चे भी इसी दिखने नहीं तो किताबें दलां किताबें बच्चे गै रही होंदियां आन इस टाइम उपर क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का टाइम है सर। तो मैं इयै चाहनी हूँ इस एरिया पर और भी अगर साढ़े लेफ्टिनेंट गवर्नर सर भी सुना देन कि ये जड़े साढ़े अपने वॉरियर हीरो अगर अजकल दी यूथ इसी और ज़्यादा सुन एरे पर और मैं आखनी और ज़्यादा काम होन ये साढ़े जिन्ने भी वीर योद्धा हैं इंदे गल्लां किताबें तोड़ी नहीं रहन ये पूरे जम्मू के पूरे इंडिया विच प्रचलित होनी चाहिए अज के टाइम उपर। मैम जम्मू में जिस तरह से आज का युवा जो है डोगरी बोलने में शर्म करता है, क्या मैसेज देंगे उनको? हाँ सर मैं ये तो गल मैं जियां सर होने भी बोले कि अस दी जिहड़ी इंग्लिश लैंग्वेज है वो साड़ी सैल्फ वास्ते है और हिंदी तो चलो अस बोली लैने होने नॉर्मल जी गल है कोहे कन्ने भी तो अस चाहने कि जी डोगरी की शुरुआत है वो घर को होनी चाहिए अज घर को डोगरी की शुरुआत वो तो पीढ़ी को पीढ़ी अगर बढ़ स्कूलों में डोगरी जागत ही कदें नहीं सिखानी और अगर स्कूल में जागत ज्यादा है उन्हें हमेशा इंग्लिश तो डोगरी कन्नै गै जोड़िया जाता है इंग्लिश और हिंदी कन्नै गै जोड़िया जाता है डोगरी असें घर गै एक स्टार्ट करनी है तो जे अगर असें इस भाषा की बचाना चाहते हैं। शुक्रिया सर। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रविंद्र कुमार राव है। सर क्या कहेंगे आज के टाइम पे अगर हम यूथ की बात करें तो कहीं ना कहीं बुक से उनका बड़ी दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता कहीं ना कहीं अगर बात करें क्योंकि मोस्टली जो टाइम वो स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे करते हैं जी। तो क्या लगता है आज जो बुक रिलीज हुई है इसके ऊपर कितना यूथ जो यूथ है इम्पोर्टेंस दे पाएगा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि बुक्स के साथ आजकल का जो यूथ है उसका नाता कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है, आप कह सकते हैं कि दूर होते दिख रहे हैं बट कहीं ना कहीं उनको आप देख सकते हैं कि दे आर कनेक्टेड विद द बुक्स डिजिटली, तो डिजिटल वेज के साथ भी वो उसके साथ जुड़े हुए हैं कि जे आज डोगरी दी उपन्यास दा गे बुक रिलीज़ है इत्थे मैं डोगरी च गे बोलूँ। अज जेड़ी किताब है वो मियाँ डिडो पर उपन्यास जेड़ा श्री मोहन सिंह जी होरें लिखे दा है जेड़े बड़े मन्ने पर मन्ने दे लिखारी डुगर प्रदेश दे उन्हें ये डोगरी उपन्यास जेड़ा मियाँ डिडो पर लिखा है इहदा टाइटल तुस दिखी सकते हो जे डिडो डोगरा इहदा टाइटल रखे गया है, बड़ी खूबसूरत किताब है इहदे च उन्हें साड़ा जेड़ा डुगर प्रदेश दा सरमाया है उहदा बख्यान कीते दा है और खास करिए जियां अस दिखने कि बहुत सारे लोग जेड़े न रॉबिन हुड दी जेड़ी स्टोरीज पढ़ना पसंद करते हैं जेड़ा कि रॉबिन हुड यूरोपियन कल्चर दा आया पर साढ़े जेड़े डुगर प्रदेश दा अपना रॉबिन हुड जिसी रॉबिन हुड ऑफ जम्मू आखते हैं मियाँ डिडो की उदी कहानी जे मैं दिखा तो अजकल दे यूथ की मी नहीं लगता जे पता हो तो ये जेड़ा नॉवल उपन्यास है खास करिए उन्हें बच्चे ताई हैं उन्हें साढ़े डुगर प्रदेश के यूथ वास्ते है जेड़ा कि कुते ना कुते इस साढ़े डोगरी साहित्य कोलों या डोगरी कल्चर कोलों खिंडदा जा करदा है। सर बात करें हम जम्मू कश्मीर की यूथ की और खासकर आपकी बात करें, आपने ये पूरी किताब जो नॉवल है पूरी जो है रीड आउट कर ली है जी जी, तो बात करें आपको इसमें कोई ऐसा वर्ड या ऐसा कोई सेंटेंस या कोई लाइन ऐसी लगी हो जो सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड या इंस्पायरिंग लगी? मैं अगर थोड़े को टाइम हो तो मैं तुम्हें एक एदा एक पैराग्राफ पढ़िए सुना कि जे ओदे च तुस डिडो की पूरा एक्सप्लेन करी सकते हो, दो तीन लाइना जे तुस इजाजत दे। मियाँ डिडो आखदे न जे उस समय अगर कोई भी उन्हें आख्या जाता है जे तुस संधि कर लो किसी चीज़ कन्नै तो उनका इक्को जवाब हुंदा है जे अगर तुस चाहते हो कि ये संधि जड़ी मैं कर लाँ वो संधि नहीं वो मैं अपने आप की अपना जो है कतल करा करना, तो आखदे न जे जे तुस चाहते हो कि मैं ये सुलहनामा कबूल कर लाँ वो मैं कदे होने नहीं देंग, ये सुलहनामा नहीं साड़ी आज़ादी दी आज़ादी पर पाबंदी है, साढ़े होंद का सौदा है, साड़ी शनाख्त उपर अमला है, साड़े मान गी सम्मान गी स्वाभिमान गी पैरे च रोलने दी तैयारी है,
ये मेरा फैसला है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, अज्जा कोला डीडो जो भी फैसला लोग आपू लोग अपने आस्ते लोग अपने डुगर प्रदेश आस्ते। तो जम्मू के जो यूथ है आजकल डोगरी बोलने में बहुत ज़्यादा शर्म करते हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? देखो तुस बिल्कुल सही आखा करते हो, जो डोगरी डोगरा प्रदेश के जिन्हें भी अज्जा कोला दे यूथ है वो डोगरी बोलने शर्म महसूस करते, पर मैं एक एग्जाम्पल देंगे, जो बूटा जड़ा होंगे ना वो हरा भरा हुआ है, तो जे अस उसकी जड़ कट्टी ओड़चे वो बूटा कदे हरा भरा नहीं रहा, तो जे तुस डोगरे तां गे हो जे तुस डोगरी बोलदे हो, जे तुस डोगरी कोला निखड़ी गए डोगरी कल्चर कोला निखड़ी गए तो तुस डोगरे भी नहीं खवांदे, तुस जम्मू कश्मीर दे नहीं खवांदे, तुहाड़ा बूटा जिन्ना मर्जी तुस अपने आप ही सो सोफिस्टिकेटेड समझदे हो, जे तुस डोगरी बोलदे नहीं डोगरी समझदे नहीं तुस डोगरी नहीं खवांदे, डोगरे नहीं खवांदे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, थैंक यू।